और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूंगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते हैं, चले जाते हैं। इलेक्शन का माहौल है तेलंगाना में, तो हर एक पार्टी तेलंगाना में, खासकर निजामाबाद जो मेरा पार्लियामेंट सेगमेंट है, यहाँ पे आ रहे हैं, उन सब का स्वागत है। ये सारे पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन तेलंगाना के लिए वो क्या कुछ करते हैं कभी क्लैरिटी से नहीं बताते हैं। यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आए थे, सारे नेता आए थे, उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, और अभी राहुल जी और प्रियंका जी आज आने वाले हैं, वो गारंटीज दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूठे वादे यहाँ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कहती है उन्होंने किया नहीं है। तो तेलंगाना की जनता ये जानती है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो अपने बात करते हैं उस पर कभी करा नहीं उतरते हैं। और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूंगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते हैं, चले जाते हैं। बाकी के समय जब तेलंगाना के हकों का हरण होता है, तेलंगाना के हक में जो भी आने चाहिए नहीं आते, उस समय वो कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ खड़े नहीं हुए हैं, और ये तेलंगाना की जनता ने बहुत सीरियसली नोटिस करके रखा है। तो इलेक्शन के समय ये जो भी बोलेंगे उन पे विश्वास नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी यहाँ मार्जिनलाइज हो जाएगी, बीआरएस की बहुत ही अच्छी मेजोरिटी से जीत हो जाएगी।